हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू एवरग्रीन मॉमी चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ 6 मंथ के बाद बच्चे को कौन सी फूड नहीं देनी चाहिए। बट ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना रखा है जो 6 मंथ कंप्लीट होने के बाद बेबी की कौन से सेमी सॉलिड फूड हम इंट्रोड्यूस करते हैं, कौन कौन से वैरायटी ऑफ फूड हमें इंट्रोड्यूस करना चाहिए, ऑलरेडी मैंने इस पर एक वीडियो बना रखा है। आप चाहो तो ऊपर आई बटन में इसकी लिंक मिल जाएगी और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक मिल जाएगी, आप जाके उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ सेकंड आपसे लूंगी कि फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हो, फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हो, तो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर विद अदर मॉम्स। सो लेट गेट स्टार्टेड। सो अब मैं बात करती हूँ कि 6 मंथ के बाद कौन कौन से फूड हमें स्टार्ट नहीं करनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बिल्कुल ही आपको वो फूड नहीं देनी चाहिए, बट आपको 6 मंथ के बाद और भी 6 मंथ आपको वेट करनी चाहिए उस फूड को देने में। अप्रॉक्स आप 1 ईयर के बाद इस फूड को आप स्टार्ट कर सकते हो। क्यों ये मैं बोल रही हूँ, क्या इसके पीछे रीजन है, आगे मैं इस वीडियो में आपको बताती हूँ। सो सबसे पहले मेरी फर्स्ट पॉइंट है कि हमें बच्चे को 6 मंथ के बाद हनी नहीं देनी चाहिए, राइट? काफी लोगों के घर में रिवाज रहती है कि बच्चे को हनी चटानी चाहिए, उन्हें वो देनी चाहिए, या किसी फूड में आप हनी मिक्स करके दो। बट मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ कि आप बच्चे को 6 मंथ के बाद हनी आप उसके फूड में या ऐसे भी आप बच्चे को ना दे, क्योंकि उसमें एक तरह की कीटाणु, जिसे बैक्टीरिया हम कहते हैं, वो उस हनी में पाया जाता है। एंड उस बैक्टीरिया को हम क्लॉस्ट्रिडियम कहते हैं, राइट? जो क्या करती है कि बच्चे के अंदर जाती है और वो इंटेस्टाइन को वो इरिटेट करती है, क्योंकि बच्चे के इंटेस्टाइन काफी वीक होते हैं, वो बस लिक्विड फॉर्म में बस मदर या फिर फॉर्मूला मिल्क वो लेते रहते हैं। बट वो 6 मंथ के बाद वो सेमी सॉलिड में उसकी ट्रांजिशन होती है। बट उस टाइम कुछ भी चीज अगर आप देते हो तो वो बच्चे के इंटेस्टाइन काफी मीन्स वीक रहते हैं, इमेच्योर रहते हैं, वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं किसी भी चीज से, मीन्स किसी भी फूड से बच्चे को एलर्जी होने के चांसेस हो सकते हैं और फिर बच्चे को आपके आगे प्रॉब्लम हो सकती है। बेशक आप हनी आप उसे इंट्रोड्यूस करें, क्योंकि धीरे धीरे 1 ईयर के बाद बच्चे के इंटेस्टाइन मैच्योर होने शुरू हो जाती है। नाउ मूव टू माई सेकेंड पॉइंट इज काउ मिल्क, राइट? बेसिकली क्या होता है कि हमारे जो घर में जो मेरे ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं वो कहते हैं कि हमने तो अपने बच्चे को गाय के दूध दिया है, गाय के दूध से तो बड़ा कोई दूध होता ही नहीं है, या तो पहले माँ की दूध होती है उसके बाद गाय की दूध होती है। बट एक मैं बात आपको बताना चाहती हूँ कि पहले की टाइम एक अलग थी, बट अब की टाइम कुछ और है। दूसरी बात क्या है कि पहले की चीजों में प्योरिटीज रहती थी, बट अब की चीजों में इम्प्योरिटीज रहती है, मीन्स अडल्ट्रेशन ज्यादा रहती है। काउ मिल्क इसलिए मैं आपको मना कर रही हूँ देने के लिए, क्योंकि इसमें आयरन की मात्रा काफी कम होती है इन कंपैरिजन टू ब्रेस्ट मिल्क, जिस कारण से कुछ मॉम्स को अगर ब्रेस्ट मिल्क अगर अच्छे से सफिशिएंट नहीं आ रही है, उन्हें सप्लाई अच्छी नहीं हो रही है ब्रेस्ट मिल्क की, तो वो क्या करती है कि 6 मंथ के बच्चे को काउ मिल्क देना स्टार्ट कर जाते हैं। बट अब आपको काउ मिल्क नहीं देना है, आप उसके जगह पे आप फॉर्मूला मिल्क दो जिसमें ऑलरेडी अच्छे से क्लियर मेंशन रहती है कि ये फोर्टिफाइड विथ आयरन है, राइट? और काउ में आयरन की काफी कमी रहती है, मीन्स उसमें आयरन की लेवल काफी कम रहती है, जिसे आप फॉर्मूला मिल्क या मदर मिल्क ना देने के कारण आप काउ मिल्क देना स्टार्ट कर जाते हैं, जो बच्चे को आगे जाके अनीमिया की डिफिशियंसी हो सकती है। दूसरी चीज क्या होती है, इसमें वाइटामिन ई की बहुत ही कमी होती है काउ मिल्क में, और क्या होती है उसमें प्रोटीन की लेवल काफी हाई रहती है, जिस कारण से बच्चे को प्रोटीन एलर्जी भी मिल्क से हो सकती है। तो ये सब रीजन के कारण ही आपको काउ मिल्क 6 मंथ के बाद आपको इंट्रोड्यूस करने को मना किया जाता है। बेशक आप 1 ईयर के बाद आप उसे धीरे धीरे आप बच्चे को स्टार्ट कर सकते हो। एक चीज यहाँ पे मैं और कहना चाहूंगी कि 6 मंथ के बाद अगर आप बच्चे को फॉर्मूला मिल्क पे आप स्टार्ट कर रहे हो, तो पहले आप ये चेक करो कि आपके बच्चे को अच्छे से डाइजेस्ट हो रही है कि नहीं हो रही है, क्योंकि इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि कुछ बच्चे को लैक्टोज इंटॉलरेंस की भी प्रॉब्लम होती है। ब्रेस्ट मिल्क जब तक वो पीते रहते हैं कोई उन्हें प्रॉब्लम नहीं होती है, लाइक लूज मोशन, कॉन्स्टिपेशन, बच्चा सही रहता है। बट जैसे ही आप कुछ अदर फॉर्मूला मिल्क या काउ मिल्क आप स्टार्ट करते हो, ये चीज प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। तो इस चीज का भी आप बेसिकली आप जरूर ध्यान रखें। नाउ मूव टू माय थर्ड पॉइंट इज एग, राइट? 6 मंथ के बाद आपको बच्चे को एग स्टार्ट नहीं करनी चाहिए। कौन सी पार्ट उसकी स्टार्ट करनी चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ। बेसिकली क्या होता है कि जो व्हाइट पोर्शन जो रहती है एग की, उसमें काफी मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है जो आपके बच्चे को एलर्जिक कर सकती है।
बेसिकली जो व्हाइट पार्ट होती है वो 1 ईयर के बाद ही आप स्टार्ट करें तो वो ज्यादा अच्छा है। कुछ लोग उसे 9 मंथ के बाद भी स्टार्ट करते हैं, बट मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ कि आप 1 ईयर के बाद स्टार्ट करो। अब डॉक्टर कहते हैं कि आप बच्चे को एग की येलो पोर्शन जो रहती है, जो एग योल्क जिसे हम कहते हैं, वो आप स्टार्ट कर सकते हो। बट स्टार्ट करने से पहले एक चीज आप जरूर नोटिस करना कि जब आप एग की येलो योल्क जो उसकी जो येलो पोर्शन होती है वो जब आप उसे इंट्रोड्यूस करते हो तो उस दिन कुछ आप दूसरे चीज आप नहीं देना एक साथ, क्योंकि आप कंफ्यूज कर जाओगे कि ये एग योल्क से प्रॉब्लम हो रही है या फिर किसी और चीज से प्रॉब्लम हो रही है। तो 1 टाइम में से 1 फूड ही आप बच्चे को इंट्रोड्यूस करें सो दैट ये आपको अच्छे से क्लियर हो पाएगी कि ये चीज देने से इसे लूज मोशन, कॉन्स्टिपेशन या वॉमिटिंग या रैशेस कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है। तो ये चीज जरूर माइंड में रखें। नाउ मूविंग टू माई 4th पॉइंट इज नट्स एलर्जी। राइट, नट्स से भी किसी किसी बच्चे को एलर्जी होती है। मेनली ये एलर्जी आपको 2 चीजों में दिखेगी, या तो ये रैशेस के फॉर्म में या तो फिर ये मोशन के फॉर्म में आपको दिखेगी। इसमें क्या होता है कि मेनली आपको जो बादाम या जो पीनट जिसे मूंगफली कहते हैं उससे ज्यादा चांसेस होती है एलर्जी होने में। किसी किसी को बच्चे को बिल्कुल ही ये सूट नहीं करती है, हमें ये पता होती नहीं है। हम अपने बच्चे को इनिशियल एज में ही उसे मींस किसी भी पॉरेज में किसी भी चीजों में उसे मिक्स करके हम लोग उसे देते हैं। बेसिकली आप एक चीज का भी आप ध्यान रखें कि जब आप बच्चे को आप सेमी सॉलिड फूड आप स्टार्ट कर रहे हो या किसी पॉरेज में आप मिक्स करके दे रहे हो तो इस चीज का भी आप ध्यान रखो कि बच्चे को इस चीज से भी एलर्जी हो सकती है। यहाँ पे मैं एक पॉइंट आपको और ये बताना चाहती हूँ कि कुछ मम्स होती है कि काफी सारे नट्स की लाइक वो वॉलनट हो गए या फिर बादाम हो गए, लाइक वो पिस्ताचियो हो गए, लाइक वो मीन्स पीनट्स हो गए, काफ़ी चीज़ों की वो एक तरह की मिक्सिंग मिक्स पाउडर वो बनाती हैं। बट उस टाइम पे क्या होता है कि हो सकती है आपके बच्चे को कैश्यू काजू सूट कर रही हो और वो बादाम यूज मीन्स सूट नहीं कर रहे हो। तो इस कारण से भी आप बच्चे को जब इनिशियल स्टार्टिंग पीरियड्स में जब आप दे रहे हो तो आप एक भी आप मिस नट्स की आप एक नट्स की आप पाउडर बना के आप इंट्रोड्यूस करो सो दैट आप नेक्स्ट टाइम अगर आप मिक्स करके भी आप दे रहे हो, अगर सपोज करो नेक्स्ट टाइम आप बादाम की या काजू की आप पाउडर मिक्स कर रहे हो तो कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो आपके माइंड में आपको समझ में आएगा, आपको समझ में ये चीज आएगा कि मैंने ये चीज नया चीज इंट्रोड्यूस किया है। सो इस कारण से भी बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस चीज का आप ध्यान रखें कि बच्चे को नट्स से भी एलर्जी होती है। नाउ मूविंग टू माई नेक्स्ट पॉइंट इज सी फूड। राइट, जैसे फिश में आप बच्चे को अगर आप प्रॉन यूज कर रहे हो या फिर अलग तरह की वैरायटी की आप फिश यूज कर रहे हो तो उससे भी बच्चे को एलर्जी होती है। मेनली देखा जाता है कि प्रॉन जो फिश होती है उससे बच्चे को एलर्जी होने की ज्यादा चांसेस होती है। एक पॉइंट में यहाँ पे आपको ऐड करना चाहूंगी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी आप बच्चे को फिश दे रहे हो तो उसके तुरंत बाद आप बच्चे को मिल्क तुरंत नहीं पिलाएं। आप अगर आप बड़े बच्चे जो 1 ईयर के एवव बेबी हैं अगर आप फिश के बाद उन्हें कॉम मिल्क अगर आप दे रहे हो तो प्लीज ये चीज का ध्यान रखें कि गैप एटलीस्ट 5 to 6 आवर का जरूर रखें। इस चीज को अगर हम लोग ध्यान नहीं रखते हैं तो बच्चे को स्किन एलर्जी भी हो सकती है, जो वाइट वाइट टाइप के जो दाग होती है वो होने की चांसेस होती है, क्योंकि फिश के बाद जब आप मिल्क लेते हो तो काफी वो रिएक्शन करती है जिस कारण से व्हाइट डार्क जो होने के चांसेस होती है। तो इस चीज का बेसिकली आप ध्यान रखें। नाउ मूविंग टू माय लास्ट पॉइंट बट नॉट द लिस्ट, दैट इज व्हीट। राइट, व्हीट से भी बच्चे को एलर्जी होती है। सुनने में थोड़ी सी आपको अजीब लग रही होगी, क्या व्हीट से एलर्जी होती है? बट यस, वीट से भी बच्चे को एलर्जी होती है। इवन फॉरेन कंट्रीज में आप देखोगे कि बच्चे को वीट थोड़ी लेट से इंट्रोड्यूस करते हैं, पहले उन्हें मिस राइस विथ फ्रूट सेरेलैक्स दिया जाता है, मिस अलग अलग ओट्स भी जो दिया जाते हैं वो भी ग्लूटेन फ्री ओट्स जो रहते हैं वो दिया जाता है, क्योंकि वीट के अंदर प्रोटीन है जिसे हम ग्लूटेन कहते हैं। राइट, उससे क्या होता है कि जब आप बच्चे को इनिशियल पीरियड में 6 मंथ के बाद आप स्टार्ट करते हो तो क्या हो जाता है कि कुछ कुछ बच्चे को वीट अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर पाती है, वो जो स्मॉल इंटेस्टाइन करती है उसको वो इरिटेट करती है, मीन्स अच्छे से वो चीज को वो डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, तो जिस कारण से बच्चे को डायरिया होने के, लूज मोशन होने के, कॉन्स्टिपेशन होने की चांसेस रहती है। बट मोस्टली बच्चे को मोशन लगी रहती है, मीन्स उसे बार बार उसे पॉटी होती रहती है।
तो आप बच्चे को भी थोड़ी सी लेट आप स्टार्ट करो बट थोड़ी सी लेट आप स्टार्ट करो, लाइक आप 9th मंथ के बाद, 10th मंथ के बाद स्टार्ट करो, स्लोली भी धीरे धीरे प्रोसेस में। अगर होल डे में बच्चे को आप एक बार अगर आप वीट स्टार्ट कर रहे हो, फिर आप उसे एक दो दिन की गैप दो, फिर आप उसे एक बार स्टार्ट करो, तो धीरे धीरे आप करो। ये चीज मैंने गलती किया था कि मैंने अपनी डॉटर को 6 मंथ के बाद ही वीट स्टार्ट कर दिया था, वीट सेरेलैक्स मैंने देना स्टार्ट कर दिया था, दलिया देना स्टार्ट कर दिया था। मुझे अच्छे से समझ नहीं आते थे कि किस प्रॉब्लम से उसे क्या हो रहा है, बट अब मुझे बाद में पता चला कि उसे वीट से एलर्जी है। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि आप वीट इनिशियल पीरियड में स्टार्ट ना करें, थोड़ी सी आप बाद में स्टार्ट करो आप। सो आई होप मॉमी मेरी ये जो 6 पॉइंट्स आपको यूजफुल लगी होगी, कौन कौन सी चीजें आपको नहीं स्टार्ट करनी चाहिए, मैंने सिंपल शॉर्ट पे मैंने इस वीडियो में आपको बताया है। सो इस वीडियो को आप लाइक जरूर करो, साथ ही साथ अदर मॉम्स के साथ शेयर करो, और चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।